द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस इज, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या, एस और आर बताने हैं आपको। अगेन कायरल सेंटर ढूंढे सबसे पहले, तो इसमें एक तो ये कायरल सेंटर हो गया और ये कायरल सेंटर हो गया, डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं ना आप तो कितनी बार आप, ये तो सी डब्ल्यू एच, सिंपल फैंसी सा बना देते हैं ना, ये सी डब्ल्यू एच है, ऐसे बना दो आप, आसान दिख गया ना अब आपको। अब इनमें आपको बस ये देखना है कि कायरल कौन सा है। देखिए उस वाले कार्बन का देखता हूँ, प्रायोरिटी देखते हैं पहले, तो इस पहले इस सेंटर के लिए देखते हैं। तो जो ऑक्सीजन है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, समझे, मास ज्यादा है इसका, ठीक है। देन उसके बाद जो दूसरा नंबर है आपका इस कार्बन की है, क्योंकि इस कार्बन से एक सीएल जुड़ा है, इस कार्बन से सिर्फ एक ओ जुड़ा है अभी तक, समझ रहे हैं ना आपको। आई होप आपको प्रायोरिटी आती होगी देखनी, नहीं आती होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। तो इसमें वन ये होगी, टू ये वाली प्रायोरिटी होगी और थ्री होगी, तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी ये जो ऊपर वाला है ये हो गया एस। अब नीचे वाला देखें, फिलहाल इसे हटा देता हूँ, ये कायरल सेंटर है, तो अगेन ये प्रायोरिटी वन हो गई, सी एल है, इधर सी और इधर सी एस थ्री है, इधर सी एक ओ जुड़ा है, एक सी जुड़ा है, तो ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, तो अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ये क्या कह दूंगा मैं, आर हो गया, समझ में आ गया। तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये वाला तो हो गया एस और ये हो गया आर। अब ये टू और कहां से जोड़ेंगे, प्रायोरिटी देख लें, सी डब्ल्यू एच की मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है, तो वन यहां से होगा, वन देन टू देन थ्री देन फोर, नोमन क्लेचर में सिंपल जैसा नोमन क्लेचर में करते हो ना वैसे ही जोड़ना है, तो ये क्या हो गया टू एस और थ्री आर, टू एस और थ्री आर, ए ऑप्शन करेक्ट, बेसिक क्वेश्चन था वो, राइट।